रामपुर नाम का एक गांव था। वहां भैरव अपने पिता और अपने भाई के साथ रहता था। बचपन में ही माँ के गुजर जाने की वजह से घर की सारी देखभाल भैरव को ही करनी पड़ती थी, इसलिए वो स्थानीय रेलवे में कूली का काम किया करता था। वैसे तो भैरव पढ़ा लिखा इंजीनियर था। आज सुबह से स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया है। उस दिन उड़ीसा में भी इतना बड़ा हादसा हो गया था, भगवान करे उनके परिवार में सुख शांति हो। भैरव पूरा दिन इंतजार करके स्टेशन मास्टर के पास चला जाता है और उनसे जाकर ट्रेन न आने की वजह पूछता है। अब आप ही बताइए, अगर ऐसा चलता रहा तो हम घर कैसे चलाएंगे और खुद कैसे रहेंगे? अब मैं तुमसे क्या कहूँ भैरव, सुबह से फोन पर फोन आ रहे हैं, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुंतीपुर में ट्रेन आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे कूली और स्टेशन मास्टर दोनों ही परेशान थे। ऐसे ही कई हफ्ते बीत चुके थे, तब भैरव और उसके साथी कूलियों ने फैसला किया। मेरा घर तो पहले से ही गिरवी है, एक तो बेरोजगारी में पहले हमने कूली का काम शुरू किया और अब ये सब। सही कहा भैरव भैया तुमने, दुनिया का बोझ हम उठाते हैं लेकिन हमारे बोझ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। क्या बताऊं बेटा, मैं मेरी तो उम्र भी 60 की है, मेरे घर पर मेरा अपाहिज बच्चा है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, और अगर ऐसा ही चला तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। हम सबको स्टेशन मास्टर के पास जाना चाहिए। सारे कूली मिलकर स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं। वो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन से बात कर रहा होता है। देखो, मैं तुम्हें मन चाहे पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन अच्छी बुलेट ट्रेन बनाएगा कौन? उड़ीसा हादसे के बाद से कोई ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन आप हमारी बात तो समझिए, हमारे देश में पहले से ही इतनी तकलीफें हैं और आप हैं कि लोगों की समस्या अनदेखा कर रहे हैं। वो बिजनेसमैन किसी की नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें भैरव और उसके साथी पीछे से सुन रहे थे और भैरव उस बिजनेसमैन यानी कि उस व्यापारी के पीछे पीछे दौड़ता है और उससे कहता है, सर 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 मेरी बात तो सुनिए सर, आखिर मेरी बात तो सुनिए सर, मुझे बस आपका एक मिनट चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपका समय बर्बाद हुआ तो मैं आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। हाँ कहो, तुम्हारे पास सिर्फ एक मिनट है और अगर मेरा वक्त बर्बाद हुआ तो तुम कूलियों का ठिकाना नहीं मिलेगा। आप जिस ट्रेन की बात कर रहे हैं वो ट्रेन मैं बना सकता हूँ, मेरे पास उस ट्रेन को बनाने के लिए हर एक चीज है। ये बात मैं मान कैसे लूँ, तुम कहना क्या चाहते हो? तब भैरव अपने पास में रखा हुआ एक छोटा सा बुलेट ट्रेन उस बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी को निकाल कर दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तब भैरव उससे कहता है, और मैं पेशे से एक इंजीनियर भी हूँ, आप बस भरोसा करके देखिए, हम आपको ऐसे ही पूरी बुलेट ट्रेन बना कर देंगे। इम्प्रेसिव, अच्छा प्रेजेंटेशन दिया तुमने, खूब आगे जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें ये बुलेट ट्रेन बनाने का अवसर देता हूँ। धन्यवाद आपका, मैं ये चीज हमेशा याद रखूंगा, हम कूली भाइयों पर आपका ये एहसान हमेशा रहेगा। उस व्यापारी ने पैसे रेलवे विभाग को दे दिए और सारी जिम्मेदारी भैरव के कंधों पर सौंप दी और भैरव ने ठीक वैसा ही किया। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर बहुत अच्छा काम करो और अच्छी बुलेट ट्रेन बनाकर दिखाओ। भैरव और उसके साथी उस बुलेट ट्रेन को बनाने में लग गए। सारे कूली मजदूरों वाले काम करने लगे, सभी एक साथ मिलकर उस बुलेट ट्रेन पर काम करने लगे। देखते ही देखते उस बुलेट ट्रेन को उन्होंने पूरे 4 महीनों में बना ही दिया, जिसका दौरा करने वही व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन वहाँ पर आया और देखकर कहने लगा, वाह ये हुई ना बात, मैं यही तो चाहता था तुमसे, तुमने जो काम किया है वो कोई और नहीं कर सकता था, कम पैसों में इतनी अच्छी बुलेट ट्रेन कोई भी नहीं बना पाता। ये सब बस आपके दिए हुए अवसर की वजह से ही संभव हो पाया। भैरव तुम इन्हें इस ट्रेन की खासियत तो बताओ। इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकती, ये ट्रेन अपने आसपास के 1 किलोमीटर की दूरी तक वाइब्रेशन के सिग्नल पर नजर रखती है। इस ट्रेन के 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी दूसरी ट्रेन आती है तो ये उस ट्रेन को सिग्नल देकर उन्हें रोक सकती है, ये खासियत है इसकी। लोगों के फायदे के लिए कौन सी बात है इसमें? इस ट्रेन के गेट में जब भी कोई जाता है उसे ये गिरने से बचा लेता है, हमने इस ट्रेन में एडवांस टेक्नोलॉजी डाली है। वाह अद्भुत, मजा आ गया।
उस व्यापारी ने भैरव को सरकार को पत्र देकर रेलवे का एक बहुत बड़ा अधिकारी बना दिया। बुलेट ट्रेन की सारी जिम्मेदारी अब भैरव के कंधों पर थी। भैरव एक कूली से बहुत बड़ा जिम्मेदार ऑफिसर बन चुका था। तब बिजनेसमैन ने अपनी चाल चली। इस बुलेट ट्रेन ने लोगों के मन से डर भगा दिया है। कई सारी टिकट्स बिक रही हैं। अच्छा मुनाफा हो रहा है। एक काम करो, इस ट्रेन के पैसे बढ़ा दो और सब जगह हमारी कंपनी का नाम फैला दो कि ये ट्रेन हमने बनाई है। लेकिन सर, ये तो बड़ी गलत बात है। भैरव की मेहनत पर आपका हक कैसे हो सकता है? ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए हैं मेरे। मैंने उतनी मेहनत की है। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। हर जगह प्रचार कर दो कि ये हमने किया है, यानी मैंने किया है। और वैसा ही हुआ। लोगों को प्रचार करके गलत बातें बताई गई कि बुलेट ट्रेन भैरव ने नहीं बल्कि उस व्यापारी बिजनेसमैन ने बनाई है। भैरव और उसके साथियों की पूरी मेहनत पर पानी फिर चुका था। बुलेट ट्रेन अपने हिसाब से अच्छी तरह चलने लगी थी। भैरव के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। एक दिन ट्रेन के गेट के पास एक बच्चा गलती से जा पहुंचा। वाह, बाहर कितना अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है। मैं थोड़ा गेट के करीब जाकर देखता हूँ। मॉम डैड जब तक खाना खा रहे हैं तब तक तो मैं देख ही लूँगा। वो बच्चा जैसे ही उस गेट के करीब पहुँचा, उस ट्रेन का सेंसर बहुत तेजी से बजने लगा, जिससे सारे ट्रेन के यात्री उठकर यहाँ वहाँ देखने लगे। वो बच्चा गेट के पास पहुँचा ही था कि ट्रेन का गेट अपने आप ही बंद हो गया। मेरा बच्चा, धन्यवाद, इस ट्रेन का लाख लाख शुक्रिया। तुम्हें ध्यान देना चाहिए, मैं एक पल के लिए खाना खाने क्या चला गया, देखो सब पलट गया। भला हो इस बुलेट ट्रेन का। लोग उस बुलेट ट्रेन से बड़े खुश थे, लेकिन उन व्यापारियों ने ट्रेन टिकट की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दी, जिससे गरीबों को बहुत परेशानी होने लगी। और ये सब भैरव से देखा नहीं गया और वो उस व्यापारी के पास पहुंच गया। ये आपने क्या किया, किराए के इतने पैसे बढ़ा दिए, आखिर गरीब उस ट्रेन में चढ़ेगा कैसे? मैं आपसे मेरे बुलेट ट्रेन को छीनने आया हूँ, ये आपने सरासर गलत किया है। कल के आए तुम मुझे सिखा रहे हो, दफा हो जाओ। बिजनेस ऐसे ही चलता है, पैसे से पैसा बनता है। अगर कोई नहीं देगा तो पैसे आएंगे कहाँ से? भैरव को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी। उसने कई सारे पत्र सरकार को लिखे ताकि व्यवस्था ठीक हो जाए, लेकिन उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं था। एक दिन उसी व्यापारी की पत्नी और बच्चे उस बुलेट ट्रेन से सफर कर रहे थे और उस व्यापारी की पत्नी अचानक ट्रेन में बीमार हो जाती है, जिसे देखकर वो व्यापारी बहुत ही डर जाता है और इधर उधर जाकर चीखने चिल्लाने लगता है। मुझे बचा लो, मेरी सांस रुक रही है, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। बचाओ, कोई मेरी पत्नी को बचाओ, बचाओ, कोई मेरी पत्नी को बचाओ। तब उस व्यापारी की नजर एक लाल रंग की बटन पर पड़ती है, जो कि डिब्बे के ठीक सामने ही थी। उस व्यापारी ने देर न करते हुए उस बटन को दबा दिया और जैसे ही उसने बटन दबाया, वो बुलेट ट्रेन नजदीकी रेलवे स्टेशन पर तुरंत ही रुक गई और रेलवे के सहकर्मी तुरंत उस व्यापारी के पास पहुंच गए। तब व्यापारी ने उनसे कहा, मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई, कृपया करके इसे बचा लीजिए। रेलवे सहकर्मियों ने देर नहीं की और तुरंत ही उस व्यापारी की पत्नी को हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी जान बचाई गई। तब जाकर उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भैरव से माफी मांगी। भैरव, मुझे माफ करना, मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सब भगवान की लाठी है जो मुझ पर बरस रही है, मुझे माफ कर दो। मैं आपको माफ सिर्फ एक ही कीमत पर करूंगा, जब आप इस ट्रेन के किराए को केवल एक रुपए की करेंगे और ऐसी ही कई सारी ट्रेनें बनाएंगे। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं।
और वैसा ही हुआ। उस बिजनेसमैन ने कई सारे बुलेट ट्रेन भैरव से बनवाए और भैरव को रेलवे का बहुत बड़ा अधिकारी घोषित कर दिया और बुलेट ट्रेन का किराया घटाकर 1 रुपया कर दिया गया। 1 रुपए के बुलेट ट्रेन में अब सभी लोग सफर कर सकते थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लोग खुशी खुशी बुलेट ट्रेन से अपना सफर तय करने लगे और तब उस बिजनेसमैन ने सभी को सच्ची बात बताई कि बुलेट ट्रेन का असली कर्ता धर्ता भैरव ही था और बिजनेसमैन ने भैरव को उसका क्रेडिट दिया। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। ये मंजीत है और ये पुष्पा। इन दोनों की सालों की इच्छा थी कि वो एक स्कूटर खरीदे। दूसरों के पति अपनी पत्नी को स्कूटर पे घुमाते हैं और एक मेरा पति है जो कब से ना जाने स्कूटर लेने के सपने ही देख रहा है। ले लेंगे, एक बार बस मैं पैसा इकट्ठा कर लूं। पर इकट्ठा कैसे करूं? जब भी कुछ पैसे जमा करता हूं, तुम्हारी फरमाइश शुरू हो जाती है, मुझे ये साड़ी चाहिए वो चाहिए। अब इसमें मैं भला स्कूटर कैसे बनाऊं? मंजीत को किसी भी हाल में स्कूटर खरीदनी थी और अब उसने ठान लिया था कि वो स्कूटर खरीद कर ही रहेगा। उसी दिन से मंजीत पैसे बचाकर गुल्लक में डालता गया। अब जल्द ही मेरा स्कूटर आएगा। अब यही चीज वो रोज करने लगा। वो रोज कुछ ना कुछ पैसे उस गुल्लक में डालने लगा और गुल्लक दिन ब दिन भारी होता गया। एक दिन पुष्पा ने गुल्लक को उठाया। ये तो बहुत भारी है, इसमें बहुत पैसे होंगे ना? है, पर उन पैसों पर अपनी नजर मत गड़ा, वो पैसे मेरे स्कूटर के लिए हैं। और मंजीत ने पुष्पा के हाथ से गुल्लक लिया और वापस अपनी जगह पर रख दिया। अगले दिन मंजीत गैरेज पर गया स्कूटर का दाम बता करने। भाई मुझे कोई अच्छी स्कूटर तो बताओ। ये देखिए, बस 1 साल पुरानी है। क्या दाम है इसका? 50,000। बाप रे, कोई सस्ती स्कूटर दिखाओ दोस्त। ये देखिए, 10 साल पुरानी, इसका दाम है 20,000। हाँ, 20,000। मैकेनिक ने मंजीत को ऊपर से नीचे देखा। अब इससे सस्ता स्कूटर कहाँ से दिखाऊं? इससे सस्ता चाहिए तो तुम्हें खुद ही बनाना होगा। मंजीत निराश होकर वहाँ से चला गया। पर मंजीत के दिमाग में मैकेनिक की वो बात रह गई, इससे सस्ता स्कूटर तो तुम्हें खुद ही बनाना होगा। मंजीत पेशे से एक मोटर रिपेयर करने वाला था। वो कई प्रकार के मोटर बनाने में उस्ताद था और अभी हाल ही में उसने मोटर और बैटरी पर चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर का वीडियो भी देखा था। उस दिन जो मैंने मोटर वाली स्कूटर देखी थी, वो तो बैटरी पे चलती है, पेट्रोल का खर्चा भी नहीं है। क्यों ना मैं वैसी ही स्कूटर बनाऊं? वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है। मंजीत ने अपने मोबाइल पे इलेक्ट्रिक स्कूटर के कुछ वीडियोस देखे जिससे उसे काफी चीजें समझ में आने लगी। ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा। टायर और मोटर के बीच में बेल्ट होता है जिससे गाड़ी चलती है। अब बस मुझे एक पुरानी स्कूटर का इंतजाम करना होगा। मंजीत तुरंत घर गया और उसने अपने गुल्लक को तोड़ दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? अपना स्कूटर बना रहा हूँ। क्या? अब तू देखती जा। मंजीत ने सारे पैसे जमा किए। 10,000 रुपए हैं, इतने में सब कुछ हो जाना चाहिए बस। मंजीत एक स्क्रैप डीलर के पास गया। मुझे एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिसकी बस बॉडी अच्छी हो। देख लो भाई, तुम्हें कौन सा पसंद आता है। उस स्क्रैप यार्ड में मंजीत का ध्यान एक लाल स्कूटर पर पड़ा। उस स्कूटर का कलर और बॉडी फर्स्ट क्लास थी। ये कितने का है? वो तो बिल्कुल बंद है, इंजन सड़ चुका है। मुझे चलेगी, आप दाम बताइए। 2,000 रुपए दे दो और ले जाओ। मंजीत ने खुशी खुशी उस डीलर को 2,000 रुपए दिए और उस भंगार स्कूटर को अपने दुकान में ले गया। फिर मंजीत गया एक स्पेयर शॉप में और वहाँ से उसने बड़ी मोटर, बैटरी और कुछ सामान खरीदा और अपने दुकान पर आकर वो अपनी स्कूटर पर काम करने लगा। घंटे बीत गए, सुबह से शाम हो गई। यहाँ पुष्पा परेशान थी। अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था, ना जाने कहाँ रह गए। मंजीत पर अलग ही धुन सवार थी। उसे किसी भी हालत में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना ही था। वो लगा रहा।
जब देर रात हुई तो पुष्पा मंजित को ढूंढते हुए दुकान पर आई। रात के 11 बज रहे हैं, आपको समय का अंदाजा भी है क्या? मैं कितनी डर गई थी। अरे बाप रे, मुझे तो समय का पता भी नहीं चला। और ये किसका स्कूटर है? हमारा। दिखने में तो बहुत पुराना है। हाँ, पर तकनीक में बहुत नया। ये स्कूटर पेट्रोल पर नहीं बल्कि बिजली पर चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर। सच में? हाँ, पर अब इसे बनाने में टाइम है, इसका एक बेल्ट नहीं मिल रहा। मिल जाएगा, अब आप घर पर चलिए, कल वापस स्कूटर पर काम कर लेना। ठीक है। मंजित ने सारा सामान समेटा और दुकान बंद कर दी। अगले सुबह मंजित बेल्ट के लिए एक दुकान से दूसरे दुकान भटकता रहा, कहीं भी उस स्कूटर का बेल्ट नहीं था। आखिर भटकते भटकते वो एक कबाड़ी की दुकान पर आया। आपके पास बड़ी मोटर का बेल्ट है क्या? लगभग 30 इंच का। इतना बड़ा बेल्ट तो वॉशिंग मशीन में ही लगता है बेटा, रुको बताता हूँ। उस कबाड़ी ने मंजित को एक वॉशिंग मशीन का बेल्ट दिया, जो देखकर मंजित खुश हो गया। मंजित ने कबाड़ी को पैसे दे दिए और अपनी दुकान पर चला गया। अपनी दुकान पर लौटकर मंजित ने अपनी स्कूटर में वो बेल्ट लगा दिया और स्कूटर शुरू किया। उसकी स्कूटर काम कर रही थी, वो हैरान था। आखिर मैंने कर दिखाया, वाह, मेरा अपना स्कूटर। मंजित ने स्कूटर के सारे पार्ट्स फिक्स किए और उस पर बैठ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बनाया हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर चल रहा था। वो सीधा अपने घर गया और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। पुष्पा बाहर आई और स्कूटर देखकर दंग रह गई। ये बन गया इतने जल्दी? हाँ, देखा अपने पति का कमाल। चल, इस खुशी में मैं तुझे स्कूटर पर तेरे मायके घुमा कर ले आता हूँ। पुष्पा खुशी खुशी स्कूटर पर बैठ गई। मंजित उसे मायके ले गया और वहाँ सब लोग मंजित का स्कूटर देखकर दंग थे। जीजा जी, स्कूटर तो ले लिया, पर पता है ना पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा स्कूटर पेट्रोल पर नहीं बल्कि बिजली पर चलता है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है, मैंने खुद बनाया है इसे। सच्ची? हाँ, वाह कमाल है। जीजा जी, मुझे भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर चाहिए, कितना खर्चा आया होगा? मंजित ने हिसाब जोड़ा। मेरे तो 8,000 खर्च हुए हैं, पर इसे 15 बोल देता हूँ, थोड़ा मुनाफा मेरा भी हो जाएगा। 15,000 खर्च हुए हैं साले साहब, बस इतना ही? फिर तो पक्का मुझे ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर चाहिए। मंजित का साला तुरंत 15,000 ले आया और मंजित को दे दिए। मंजित पैसे देखकर खुश हो गया। और फिर क्या था, मंजित की गाड़ी चल पड़ी। वो पुराने स्कूटर खरीद कर उनमें मोटर लगाकर उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने लगा और कम दामों में बेचने लगा। ग्राहकों की मानो लाइन लग गई। मंजित का बिजनेस चल पड़ा। पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच में मंजित का देसी इलेक्ट्रिक स्कूटर हिट हो गया और मंजित का जीवन बदल गया। अब वो मंजित नहीं बल्कि मंजित सेठ बन चुका था, देसी इलेक्ट्रिक स्कूटर नाम की कंपनी का मालिक। गांधीनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में बड़ा सा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर भीड़ लगा करती थी। गर्मियों के मौसम में ये सारी भीड़ बलदेव के पेप्सी के दुकान पर लगी रहती थी। अरे बलदेव काका, मुझे ऑरेंज वाली पेप्सी दे दो। मुझे येलो वाली। और मुझे लाल वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को बलदेव की पेप्सी बहुत पसंद आती थी और बलदेव पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था। अच्छा फिल्टर पानी, साफ चीनी और साफ सुथरे तरीके से वो जूस बनाकर उन्हें प्लास्टिक के थैलियों में भरा करता था। बलदेव की 1 रुपए वाली पेप्सी बहुत बिका करती थी। कुछ ही देर में उसका सारा स्टॉक खत्म हो जाया करता था। अरे काका, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गई, अब कल आना। बलदेव की दुकान के सामने पवन की दुकान थी। पवन आइसक्रीम बेचता था, पर गर्मियां होने के बावजूद भी उसकी आइसक्रीम्स बिक नहीं रही थी। पता नहीं ये बलदेव अपनी पेप्सी में क्या मिलाता है जो सारे गांव वाले सिर्फ इसी की पेप्सी पिया करते हैं।
एक रुपए वाली पेप्सी में भला क्या स्वाद होगा, मेरी तो आइसक्रीम तक खराब हो रही है। स्वाद का तो पता नहीं, पर वो आइसक्रीम से सस्ती है, शायद इसीलिए वो ज्यादा बिकती है। हाँ हो सकता है। क्यों ना आप भी पेप्सी बेचना शुरू कर दें? अरे पर पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की जरूरत थोड़ी है, बाजार में बहुत सारी कंपनियां पेप्सी बेचती है, आप भी उनसे खरीद कर बेच सकते हो, सोच लो बहुत मुनाफा होगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है, कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सी खरीद लाता हूँ। ठीक है। अगली सुबह पवन शहर से ढेर सारी जूस वाली पेप्सीज ले आया और उसने वो सब अपने फ्रिज में रख दी। अच्छा किए, अब एक बाहर बोर्ड लिख दो कि यहाँ पेप्सी मिलेगी। ठीक है। पवन ने एक बोर्ड पर लिखा कि यहाँ पेप्सी मिलेगी और ये बोर्ड अपनी दुकान के बाहर लगा दिया। कुछ देर बाद एक छोटे बच्चे ने वो बोर्ड पढ़ा। यहाँ पेप्सी मिलेगी, काका कौन कौन से कलर है? सब कलर है, तुम्हें कौन सा चाहिए ये बताओ। मुझे तो एक येलो वाली और एक ऑरेंज वाली चाहिए। पवन ने उस बच्चे को दो पेप्सी के पैकेट्स थमा दिए। वो बच्चा वही खड़े खड़े पेप्सी पीने लगा। ये तो बढ़िया है, मजा आ गया। ये लो एक और पेप्सी मेरी तरफ से फ्री, जाकर अपने दोस्तों को भी बताना मेरी दुकान में पेप्सी मिलती है। हाँ हाँ काका जरूर बताऊंगा। और पवन का ये फंडा काम कर गया, वो बच्चा दौड़ते हुए गांव में गया और कुछ देर बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ लौटा। यही वो दुकान है, मुझे भी दो ऑरेंज वाली चाहिए और मुझे तीन लाल वाली। पवन ने सबको पेप्सी दे दी और बस तब से कई लोगों ने पवन की दुकान से पेप्सी खरीदी। आज तक गांव वालों ने बस बलदेव की पेप्सी चखी थी, पर आज उन्हें कंपनी का स्वाद भी अच्छा लगने लगा था। अरे वाह, ये काले रंग वाली पेप्सी तो मैं पहली बार पी रहा हूँ। और भी काफी फ्लेवर है, नींबू पानी, काला खट्टा, ऑरेंज, रोज। वाह भाई वाह, अब तो रोज अलग अलग फ्लेवर चख सकते हैं। पवन के पेप्सी बेचने की वजह से बलदेव की दुकान पर ग्राहकों की कमी हो गई थी। मुझे थोड़ा सब्र से काम करना होगा, पवन ने नई नई पेप्सी बनानी शुरू कर दी है, इससे गाँव वाले उसकी दुकान पर जा रहे हैं, पर मुझे यकीन है कि वो सब लौटेंगे। बलदेव अपने आप को तसल्ली दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक पवन के दुकान पर पेप्सी के लिए भीड़ लगी रही और यहाँ बलदेव का धंधा मंदा था। गांव के सरपंच बलदेव की दुकान पर आए। क्या हुआ बलदेव, आज परेशान लग रहे हो? अब क्या बताऊं काका, पवन शहर से पेप्सी लाकर बेच रहा है, अब तो मेरे ग्राहक कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये बस कुछ ही दिनों की बात है, कोई भी नई चीज के पीछे गांव वाले दौड़ पड़ते हैं, तू तो जानता है, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे यकीन है तेरी पेप्सी शहर की कंपनी वाली पेप्सी से अच्छी ही होगी। अब एक काम कर, मुझे 50 पेप्सी दे दे, आज शहर से मेरे पोता पोती आ रहे हैं। ठीक है सरपंच जी। बलदेव ने सरपंच जी को 50 पेप्सी दे दिए और वो खुशी खुशी वहाँ से चले गए। बलदेव अब भी दुखी था। सरपंच जी अपने घर पहुँचे और उन्होंने अपने पोते को एक पेप्सी दी। पापा ये पेप्सी वगैरह अच्छी नहीं होती, इनमें इतनी मिलावट होती है जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बेटा ये पेप्सी हमारा बलदेव खुद बनाता है, बिना मिलावट, साफ ढंग से, इसे तो हम कई सालों से पी रहे हैं, अब तक कोई बीमार नहीं हुआ। देखिए, सरपंच ने एक पेप्सी अपनी बेटी को दी और उसने वो चखी। वाह पापा ये तो बहुत अच्छी है। सरपंच जी के घर आए हुए सारे मेहमानों ने वो पेप्सी पीना शुरू किया, कुछ ही देर में सारी पेप्सी खत्म हो गई। पापा आपने ये कहाँ से ली, मैं थोड़ी और ले लेती हूँ। बाजार में तुझे बलदेव की दुकान दिखेगी जिसमें बड़ा फ्रिज होगा, उसी की दुकान से। मैं लेकर आती हूँ। नेहा बाजार पहुँची तो वो बलदेव और पवन की दुकान में उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी दुकान है। शायद जिस दुकान पर भीड़ लगी है मुझे वहाँ जाना चाहिए। नेहा पवन की दुकान में गई
मुझे 20 पेप्सी देना। जैसे ही पवन ने फ्रिज से पेप्सी के पैकेट निकाले तो नेहा ने मना कर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। अरे अभी तो आपने 20 पेप्सी मांगी। हाँ, पर ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वहाँ खड़े एक आदमी ने नेहा से पूछा, बहन इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर की कंपनियों में बनती है, वहाँ इन्हें बनाने में कई सारे केमिकल्स डालते हैं जो हानिकारक है और जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पेप्सी लेने क्यों आई हो? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको बलदेव भाई की पेप्सी लेनी है, उनकी दुकान सामने है। नेहा वहाँ से चली गई, पर आसपास के लोग शहर की केमिकल वाली पेप्सी की बातें करने लगे। नेहा ने बलदेव की दुकान से पेप्सी खरीद ली और वो घर चली गई। केमिकल वाली पेप्सी के बाद गांव में आग की तरह फैली और सारे माता पिताओं ने अपने बच्चों को पवन की दुकान से पेप्सी लेने के लिए मना कर दिया। आज से पवन काका की दुकान से पेप्सी मत लेना। क्यों माँ? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुझे सुई लगेगी। ना बाबा ना। लोगों को बलदेव की अच्छाई समझ आ गई और एक बार फिर बलदेव की पेप्सी बिकने लगी। पवन की दुकान से कोई भी पेप्सी खरीद नहीं रहा था और थक हार के पवन ने पेप्सी बेचना ही छोड़ दिया। नेहा ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया।